सोलन शहर के करीब 350 ऑटो चलते हैं जो शहरवासियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करते हैं। कुछ ऑटो चालक तो शहरवासियों की भावनाओं और कानून का पालन करते हैं, लेकिन कुछ ऑटो चालक शहरवासियों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं और वे अपनी मनमानी पर उतर आए हैं। अक्सर वे पैसा बनाने के लिए ओवरलोडिंग करते हैं और शिकायत करने पर लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं। यातायात पुलिस भी इन पर कार्रवाई अमल में लाती है, लेकिन यह नाकाफी सिद्ध हो रही है। शहरवासियों ने कहा कि शहर में ऑटो चालक अपनी मनमानी पर उतर आए हैं और अक्सर वे ओवरलोडिंग करते हैं। यही नहीं, वे रैश ड्राइविंग पर दूसरों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं और अक्सर वे ओवरलोडिंग करते हैं यही नहीं वे रैश ड्राइविंग कर दूसरों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। साथ ही वे अपने ऑटो कहीं भी पार्क कर देते हैं, जिससे लंबे जाम भी लग जाते हैं और अगर कोई सवारी उनका विरोध करती है तो वे यूनियन बनाकर उससे लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं। इसलिए उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि वे ऑटो चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। वहीं जब इस बारे में यातायात प्रभारी राकेश गुलेरिया से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि वे समय समय पर ऑटो चालकों पर कार्रवाई अमल में लाते हैं और नियमों की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी करते हैं। जिस ऑटो चालक का एक बार चालान हो जाता है, अगर वह फिर से नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर ज्यादा सख्ती की जाती है और कई बार तो ऑटो भी इम्पाउंड कर लिया जाता है। समय समय अनुसार जो भी यातायात नियमों की अनुपालना करते हैं या उनकी उल्लंघना करते हैं, मेरे आदेशानुसार या मैं खुद या अफसरान आदेश बाला के आदेशानुसार अब मोटर वाहन अधिनियम के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। और जो बार बार रिपीट ऑफेंस करते हैं उनके गाड़ियां रिपीट ऑफेंस में चलान करके गाड़ियों को जो है इम्पाउंड कर लिया जाता है। ऑटो वालों की काफ़ी कंप्लेंट्स रहती हैं यहाँ पे लोगों की कि ये लोग ओवरलोड करते हैं, तो जहाँ भी हमें कोई कंप्लेंट मिलती है हम समय समय उनके चेक करते हैं, ऑटो को इनके लाइसेंस भी चेक करते हैं। जो ओवरलोड होता है उनका हम मतलब वायलेशन ऑफ परमिट में इनका चलान करते हैं। हमें कंप्लेंट भी मिली थी कि ऑटो वाले हर कहीं जो है पार्किंग कर देते हैं, तो इस बारे में भी ऑटो के प्रधान उप प्रधान को बुलाया था मैंने, उन्हें भी इसके बारे में बताया है कि ये कंप्लेंट्स हमारे पास आ रही हैं, अगर भविष्य में वो हर जगह कहीं हर कहीं पार्किंग करेंगे तो नियमानुसार या MBA के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।